क्या कर रहे हो? झगड़ा कर लूंगा तुमसे दोबारा। आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? हाँ, इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? कमाल है, बताइए यार, जब मुझे छींक आ सकती है, मुझे बुखार आ सकता है, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता है। ये कौन आ गया? अरे मेरा बच्चा शकील, कहाँ है जलील? अरे एक से डर रहे, दो आ गए। अरे मेरा बच्चा शकील। इस सीजन में कोई भी फल सही नहीं आया बेटा। दफा हो, कौन हो तुम? अबे मैं तेरा बहुत दूर का दादा हूँ। कितने दूर का बताओ? बस 3-4 बसें बदल के आनी पड़ती है मेरे पास। ये बताइए कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। चल निकल यहाँ से, दादा पोते के बीच में खड़ी, निकल। एक तो मैं बीच में नहीं खड़ी हूँ। हाँ? मैं साइड में हूँ और मैं यहाँ खुश हूँ। एक मिनट यार, लो मैंने इनकी बात सही कर दी, अब निकलो। अभी बातें हो रही ना, फिर बुलाएंगे। हाय माशाल्लाह, चलते हुए कितनी अच्छी लगती है। पहचाना मुझे? हाँ पहचान लिया दादा। ये बताओ यहाँ कैसे पहुँच गए आप? बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ बेटा। सुना तू कॉमेडी सर्कस में बड़ा नाम कमा रहा, बड़ी इज्जत कमा रहा है। अल्लाह का शुक्र है दद्दू, बड़ी इज्जत है। बस वही खराब करने आया हूँ बेटा। गांव में तू बड़ा याद आया मेरे बच्चे। मैं क्यों याद आता हूँ दादा? बस अभी पिछले हफ्ते एक चोर पकड़ा गया, उसको गधे में बैठा के पूरा गांव घुमाया, तुझे तू बड़ा याद आया। मैं क्यों याद आ गया? तेरा तो उन्होंने मुंह भी काला किया था ना। ये बताओ गांव में सब ठीक है, क्या हाल चाल है? शुक्र है बेटा, बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। तेरा चाचा नहीं है? हाँ? छोटा वाला, उसकी एक्सीडेंट में टांग कट गई, मैंने नए टायर डलवा दिए। अब चलते हुए थोड़ा बबलिंग करता, बाकी सब ठीक है बेटा। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। हाँ तेरी बहन ने दहेज बचा लिया तुम लोगों का। बहुत बहुत ही शरीफ बच्ची है, बहुत टेक्निकल बच्ची है माशाल्लाह। कैसे कैसे कैसे? बस कल्लू पान वाले के साथ भाग गई। बाकी सब ठीक है। अरे क्या खाक ठीक है? अच्छा बताओ यहाँ कैसे पहुँच गए आप? तूने तार भेजा था ना? अल्लाह माफ करे, मैंने कब तार भेजा था? ये देख मैं लेके आया हूँ तार, तूने भेजा है। ये तार भेजा था मैंने। अबे यार अजीब बात कर, इसको तार ही कहते हैं, कोई पाइपलाइन कहते हैं? अच्छा दफा करो, ये बात सच कह रहे हो तुम सच कह रहे हो, मैंने तार भेजा था, मैंने बुलाया था। आ गया बेटा। हाँ, एक खुशखबरी है। क्या बेटा, अब्बा वापस आ गया क्या? नहीं, एक दूसरी खुशखबरी है। क्या? मैं शादी कर रहा हूँ। तेरा तो इलाज चल रहा था जुकाम का, तेरा तो जहन ही गंदा है, पता नहीं कहाँ चला जाता दिमाग। मैं शादी कर रहा हूँ। वो बदनसीब? बदनसीब नहीं है, करमजली। खुशनसीब है। कौन? खूबसूरत है। कौन? ये श्रुति। शादी कर रहा हूँ इससे मैं। ना बेटा इससे ना करना। नहीं कर रहा हूँ मैं, 17 एपिसोड से अफेयर है हमारा, कर रहा हूँ शादी कर रहा हूँ। बेटा ना कर, इससे ना कर। क्यों? 17-18 साल बड़ी है तेरे से, इस पे तो तेरे बड़ों का हक है। दद्दू तुम समझता है, गुन्ना बना हुआ है। अरे दद्दू दफा करो, ये बताओ यहाँ आना क्यों हुआ? उसी काम से आऊँ जिसके लिए बुलाया था तूने। बोलो क्या? चल 6 लाख निकाल बेटा मेरे। कौन से 6 लाख दद्दू? बेटा मेरे 6 लाख दे दे, शकील ना कर बेटे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। खुदा की कसम नहीं, मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं, एक मिनट, मैं कैसे दूंगा यार? नहीं, मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं शकील नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा। तू नहीं है ना? अरे मैं स्वप्न लूँ तो मैं शकील हूँ बेटा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ बहुत देर से। कमीने तू, मुझे वहाँ छत्ते पे हाथ लगवा के भागा तू। शकील भाई मतलब एक बात बताओ ना। हाँ। अगर मैं किसी आदमी से ये कहूँ कि ये छत्ता है, इसमें से जिन निकलेगा, हाँ, तो कौन कुत्ते का बच्चा यकीन करेगा? हाँ वो मैंने यकीन किया, मैं कुत्ते का बच्चा। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं, चलो मुझे कौन सी गाली पड़ी, अब्बा को पड़ी, मैं तो बच्चा ही हुआ ना। सही है सही है। श्रुति जी आगे आइए, श्रुति जी आइए। मैं यहीं पर ठीक हूँ। आ जा, नहीं आ जा ना, श्रुति जी आ जाइए, आ जा प्लीज, श्रुति जी आ जाइए। ओह आ जा, ऐसी लड़कियाँ होती हैं, अमरूद वाले को कह रही है मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम बस अपना बिजनेस मेरे नाम कर दो। शुक्रिया शुक्रिया, माइक तेरे मुंह से बड़ा है, नीचे कर लिया कर।